नमस्कार, मैं मोनू मेहरा की मम्मी बोल रही हूँ, जिसमें आपने पहले भी मेरे वीडियो देख रखे हैं, जिसमें मैंने अचार भी डाला है और अपनी रेसिपी भी डाली है। आप लोगों ने उसको पसंद भी करा है। आज मैं आपको कोफ्ते बनाऊँगी, लौकी के कोफ्ते। बनाते तो सभी हैं, सबका अलग बनाने का ढंग होता है। आप जिस ढंग से मैं बनाती हूँ उस ढंग से कोफ्ता बनाइए, आपका कोफ्ता बहुत ही बढ़िया बनेगा। कोफ्ता बनाने के लिए पहले आप उसकी सामग्री नोट कर लीजिए। 5 लोगों के लिए कम से कम आधा किलो की लौकी हो, लौकी मोटे मिल की ना हो, पतले मिल की हो, और 2 बड़े बड़े प्याज, 5-6 टमाटर मीडियम साइज़ के, और 1 कटोरी दही, 1 कटोरी चम्मच हल्दी, धनिया मिर्चा तो आप स्वाद के अनुसार डालती हैं, उसी हिसाब से पड़ेगा जैसे सब्जी और बनाती हैं। बस पहले आप लौकी जो है वो उसे धो लीजिए, क्योंकि हमेशा सब्जी को धो के करना चाहिए। सब्जी को लौकी धो लीजिए और उसको मैं छिलके कद्दूकस कर लीजिए। अब आपने लौकी को कद्दूकस कर लिया है, उसको एक बाउल में रख दिया, उसके साथ में एक प्याज भी कस ली छोटा सा, और एक हल्की थोड़ी सी अदरक भी कस ली है। अब आपको उसको कस के एक बाउल में रख लीजिए। इसके बाद आप बेसन लीजिए करीब 1 कटोरी, यानी कि 150 ग्राम के आसपास, और उसे भून लीजिए। ज़्यादा ना भूनिए, मतलब उसे भून लीजिए ताकि उसमें कचाई ना आए। गुलाबी गुलाबी रंग का भून लीजिए, और उसके बाद गर्म ही गर्म आप लौकी के ऊपर डाल दीजिए जो आपने लौकी कस के रखी है। उसमें 1 बड़ी इलायची फोड़ के डाल दीजिए बस। ज़्यादा उसे और हल्के धनिया मिर्च नमक और मिर्चा अपने स्वाद के अनुसार डालिए, और उसको हल्के हाथ से मिलाइए, उसको फेंटना नहीं है बिल्कुल भी। अब आप तेल गरम करिए, चाहे तेल में बनाएं, चाहे घी में बनाएं, चाहे रिफाइंड में बनाएं, जो आपकी मर्ज़ी के ऊपर, जो आप खाती हो। बस उसके छोटे छोटे बाउल बनाइए और उसको तल लीजिए। बाउल जो है हल्की आँच पर बनिए, लेकिन कि तेज आँच पर नहीं कि ऊपर से सेक जाए और अंदर से कच्चे रह जाए। अगर आप बाउल के बीच में 1-1 काजू रख सकती हैं तो वो भी रख सकती हैं, उसके अंदर 1-1 काजू भी डाल दीजिए तो और अच्छा लगेगा। बस आप बाउल बनाइए, बाउल बना के तल लीजिए भूरे भूरे रंग के, और तलने के बाद निकाल लीजिए। अब उसका जो तेल बचा है, घी बचा है, उसमें आप ज़्यादा अगर घी है तो उसमें से निकाल दीजिए। करीब 1-1.5 कलछी घी रहने दीजिए कढ़ाई के अंदर। अब आप जो आपने प्याज कसा है, जो 2 आपके बड़े बड़े प्याज थे, उनको कद्दूकस कर लीजिए, चाहे आप उसमें मिक्सी पीस लीजिए, जैसे आपकी मर्ज़ी हो वो कर लीजिए, और उसको कढ़िया में डाल दीजिए। प्याज डालने से पहले थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए, जब जीरा भुन जाए तब प्याज डालिए। अब आप प्याज बनाइए, जब प्याज आपका हल्का सुनहरे रंग का हो जाए तो उसमें जो आपने टमाटर में हल्दी धनिया मिर्चा है, जैसे 1 चम्मच हल्दी है, 2 चम्मच धनिया है, सब टेबल स्पून जो होते हैं, और मिर्चा स्वाद के अनुसार, और 1 बड़ी इलायची फोड़ के, ये सब इसमें डाल दिए। गरम मसाला डाल दिए, और अगर आपके पास गरम मसाला घर का पिसा हुआ ना हो तो आप एवरेस्ट का गरम मसाला बाज़ार से मंगा लीजिए, वो भी बहुत अच्छा रहता है। और 1 पैकेट आप मीट मसाला बना लीजिए। मीट मसाले में से 1/2 चम्मच, वो भी टीस्पून छोटा चम्मच, 1/2 छोटा चम्मच मीट मसाला उस मसाले में डाल दीजिए। देखिए कितनी बढ़िया उसमें खुशबू निकलती है। अब आपका मसाला भुन गया है अच्छी तरह, थोड़ा पानी डाल के भूनिए ताकि मसाले में महक आ जाए अच्छी तरह। इसके बाद आपने जो प्याज टमाटर कसे हैं या टमाटर आपने ग्राइंड करे हैं पीसे हैं वो उसमें डाल दीजिए। टमाटर को भी अच्छी तरह मैश कर लीजिए अच्छी तरह मसाले में, ताकि खूब अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जब टमाटर और मसाला सब मिक्स हो जाए, प्याज सब मिक्स हो जाए, तो उसमें 1 कटोरी दही डाल दीजिए। दही भी मिक्स मिला लीजिए। जब अच्छी तरह सब मसाला मिल जाए और मसाला कड़िया छोड़ने लगे, अच्छी तरह खूब खुशबू आने लगे मसाले की, तो आप उसमें जो है अपने जो कोफ्ते बनाए वो डाल दीजिए। 10-5 मिनट तक कोफ्तों को अच्छी तरह उसमें मसाले के साथ लपेट के साथ रखिए, तो कलछी से लाइए। बस इसके बाद जितने आपको रसा चाहिए उतना रसा रखिए और उसको ढक दीजिए। आप चाहे किसी भी ढंग से बनाइए, मेरे कोफ्ते ना फटेंगे, ना टूटेंगे, ना मसाले पानी में मिलेंगे। आप जिस आकार के बनाएंगे वो उसी आकार में रहेंगे। अगर आप बना के देखिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आप खाइए और दूसरों को खिलाइए। ऊपर से हरे धनिए से उसको सजाइए, बहुत अच्छी लगेगी, विटामिन से भरपूर होगी और देखने में बहुत अच्छी लगेगी। नमस्कार।